नमस्कार, बीसी न्यूज की खास मुलाकात में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से भारत में क्रिकेट का बढ़ता क्रेज है, मतलब अगर हम अधिकतम युवाओं से पूछे तो उनका मन पसंदीदा गेम या खेल कोई होगा तो वो है क्रिकेट। और इसी श्रृंखला में विदर्भ के युवा कैसे पीछे रह सकते हैं। विदर्भ के युवाओं को हमेशा ही क्रिकेट रास आया है और उन्हें और भी अच्छे क्रिकेट में प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा ही कार्यरत है। अभी इसी श्रृंखला में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के नए नियुक्त सचिव हमारे साथ है हेमंत गांधी जी। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत गांधी जी आपका हमारे इस खास मुलाकात में। साथ ही हमारे साथ मौजूद है जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रहलाद अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपका भी। हेमंत जी, आपसे शुरुआत करती हूँ मैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आपसे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, मतलब आपके करियर की शुरुआत या फिर आपकी जर्नी की शुरुआत, उसके बारे में क्या बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए। ओरिजिनल नागपुर का रहवासी हूँ। एजुकेशन ख़त्म होने के बाद में व्यापार से जुड़ा रहा। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि व्यापारियों की शीर्ष संस्था है पूरे विदर्भ की, उसका मैं 2 टर्म अध्यक्ष था। उस संस्था में भी मैंने एक ऑर्डिनरी मेंबर के हिसाब से ज्वाइन किया था। बाद में बढ़ते बढ़ते एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये सारे पदों पे काम किया है और कोशिश किया है कि व्यापारियों की जो डे टू डे लाइफ में समस्याएं आती है व्यापारियों को, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे कोई और एजेंसीज हो, उनके द्वारा जो समस्या आती है उसका व्यापारियों के लिए सुलझान कर सके। साथ में हमारे नागपुर में आप लोगों को मालूम है कि मिहान एक काफ़ी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसके तहत बहुत सारे बाहर से बड़े बड़े यूनिट्स यहाँ पे आए हैं, लगे हैं। काफ़ी स्पेशल डिस्काउंट्स गवर्नमेंट ने वहाँ पे दिया है उद्योग लगाने के लिए। तो मिहान का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने, उसका भी मैं पिछले 7 साल से मेम्बर हूँ, एडवाइजरी बोर्ड मेम्बर। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत सालों से मेंबर हूँ। वहाँ पे भी पिछले 7 साल पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना था, फिर पिछले 3 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी था और इस साल अभी दिसंबर से मुझे सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली है। अच्छा प्रहलाद जी, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। कहीं ना कहीं जितनी भी यातायात से जुड़ी समस्याएं वाड़ी में, कहीं ना कहीं वाड़ी को एक ट्रांसपोर्ट हब कहा जाता है और उसी में यातायात से जुड़ी समस्याएं, उसके लिए आप हमेशा ही अग्रसर रहते हैं, उन्हें सुलझाने के लिए आप हमेशा ही कार्यरत रहते हैं। मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मैंने ये बिजनेस, मैं इस लाइन में 63 से आया था और मैंने ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में सुना और देखा कि भाई ट्रैक्टर चल के जाते हैं, तो मैंने कहा ये जब चल के जाते हैं तो ट्रक पे क्यों नहीं जाते। तो मैंने उसके लिए प्रयत्न किया, तो 79 में मैंने पहला ट्रैक्टर ट्रक पे चढ़ाया, जिसमें कि एक ट्रक में 4 जाते थे और वो बढ़ते बढ़ते अभी वो 6 भी जाते हैं, 7 भी जाते हैं, 8 भी जाते हैं और 10 तक भी एक गाड़ी में जाते हैं। तो उससे कॉमर्शियल बेनिफिट भी हुआ, डीजल बेनिफिट भी हुआ और किसान भाइयों को फ्रेश जैसे कार नहीं मिलती है, जैसे कार के लिए वाले कार नहीं मिलती है, वो मिलने लगा। और उसी को लेकर महिंद्रा कंपनी ने मेरा काम देखकर मेरे को नागपुर में एक बड़ा स्टॉकयार्ड दिया है, जो कि इंडिया में उस जैसा स्टॉकयार्ड कहीं नहीं है और उसको अभी हम मॉडर्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो हमको ऑफिस में बैठे पता लगे कि कौन सा ट्रैक्टर, क्योंकि वो ट्रैक्टर वहाँ 5,000 ट्रैक्टर, वैसे तो 8,000 तक पार हुए हैं पर 5,000 ट्रैक्टर साल में 1-2 दफ़ा तो ज़रूर होते हैं। तो, और दूसरा जो इसको देखते हुए कि भाई जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को तकलीफ आ रही है वाड़ी में, जैसे रोड पे ही लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उसमें से वहाँ चोरी होती है, तो उसके लिए सरकार से और ड्राइवर भाइयों को, मैंने खास करके मैं ड्राइवर भाइयों के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ड्राइवर ही एक मेन चीज़ है और ड्राइवर का नाम मैंने सारथी रखा है। अगर जैसे भगवान कृष्ण हमारे सारथी थे और उन्होंने अर्जुन की या पांडवों की नैया पार की, तो हमारे इंडस्ट्री की नैया पार ट्रक ड्राइवर ही कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ अच्छा, जैसे हाईवेज पे
ड्राइवर घर हो, जहाँ वो जाए तो उनको सब तरह की फैसिलिटी मिले और मिले, इसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। और इसीलिए मेरे मन में आया कि गांधी साहब कितने टाइम से व्यापारियों से, व्यापार से जुड़े, फिर क्रिकेट से जुड़े, फिर जो बड़ी एक संस्था गवर्नमेंट की है निहान, जिस उसमें जुड़े, उसको मैंने कहा कि भाई मैं भी इनको अपने साथ लूँ, हो सकता है कि हम दोनों मिलके ड्राइवरों के लिए कोई बहुत अच्छा भला कर सकें। तो और ड्राइवरों को अभी सरकार ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोल रही है, वहाँ ड्राइवर तैयार करके उनको अच्छी नौकरी, इज्जत वाली नौकरी दिलवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी। हेमंत जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि आप नाग विदर्भ ऑफ चैम्बर्स के दो बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है नाग विदर्भ ऑफ चैम्बर्स, और अभी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के आप सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। व्यापार से क्रिकेट में ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये बताना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। देखिए, ऐसा है, क्रिकेट जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हमारे देश में क्रिकेट एक पैशन है बच्चों के लिए, सेम पैशन बचपन से मेरे भी दिल में था। कॉलेज दिनों तक मैं बहुत रेगुलर क्रिकेट खेलता था, स्कूल के टीम में, कॉलेज के टीम में, और बाद में व्यापार में आ गया तो उतना क्रिकेट नहीं खेल पाया। बाद में फिर थोड़ा क्रिकेट के लिए जो एक बेसिक उम्र चाहिए 16-17 साल से लेकर 20-25 साल तक, उसको पार कर गया, तो इसलिए ये नहीं रह सका, मैंने रेगुलर टच में नहीं रह सका गेम के, लेकिन क्रिकेट का पैशन था ही। और इसी बीच विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की मेंबरशिप मुझे मिल गई, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। तो VCA में फिर यह सोचा कि कहीं ना कहीं हम खुद क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन VCA के माध्यम से जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, क्रिकेट में आगे आना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपन मदद कर सके, ये एक दिन में जज्बा था, और उसी के चलते फिर आगे का सब होते गए। कहीं ना कहीं हेमंत जी, जैसे नया पद मिलता है, वो नया पद अच्छी बात तो बहुत होती है, पर इससे नई जिम्मेदारियाँ जो है, नई चुनौतियाँ है, वो भी सामने आती है। तो इन सारी चुनौतियों को, इन सारी जिम्मेदारियों को किस तरीके से पार करने का, किस तरीके से सुलझाने का आपने सोचा है? देखिए, ऐसा है कि पद को तो मैं, आपने बहुत सही कहा कि पद को जिम्मेदारी के साथ ही मैं लेता हूँ। अगर आप में हौसला है, अगर आप में इच्छा शक्ति है कि किसी पद को लेके आप उसको न्याय दिला सके, उसके लिए काम कर सके, तो ही आपने पद लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, जब तक नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक्टिव था, व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के डे टू डे अफेयर्स में आने वाले समस्याओं के लिए जूझता रहा। सेम थिंग यहीं पे भी है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में। अगर इच्छा शक्ति है और काम सिंसियरली करने की आपकी इच्छा है, आपकी लगन है, तो आप बराबर रास्ते निकल जाते हैं, आपको समय मिल जाता है और हर चीज आगे होते जाती है। हेमंत जी, कहीं ना कहीं क्रिकेट भारत में लोगों के लिए पैशन की तरह है, युवाओं के लिए क्रिकेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मतलब हम देख सकते हैं कि गली गली में क्रिकेट खेला ही जाता है अक्सर। तो ये जितने भी युवा है, उनको क्रिकेट की और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या लक्ष्य रखा है, इस बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, आप अगर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे, हमारे फेसबुक पेज पे बहुत रेगुलर हम लोग अपडेट करते रहते हैं, तो नागपुर शहर के बहुत सारे क्रिकेट क्लब्स हैं जहाँ पे क्रिकेट का कोचिंग होता है, ऑल ऑफ देम आर एफिलिएटेड टू विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। वहाँ पे हम लोग उनको साल भर उनको कोचेस सब प्रोवाइड करते हैं, उनको अंपायर्स प्रोवाइड करते हैं, बच्चों के ट्रेनिंग के लिए जो जो ग्राउंड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, रोलर से लेकर तो सब चीज़ वो सब प्रोवाइड करते हैं। और हर साल हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंटर क्लब्स टूर्नामेंट्स करवाते हैं, सो दैट उसमें से टैलेंट उभर के आए। और हर ग्रुप क्रिकेट में एक्चुअली अलग अलग एज ग्रुप है, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 25 एंड सीनियर, दोनों के लिए है ना, मेन और वीमेन दोनों के लिए। तो ये सारे एज ग्रुप के बच्चों के अलग अलग हम लोग पूल बनाते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसे करीबन 35-40 बच्चों का एक पूल बनता है। और वो पूल में से भी जो बेस्ट बच्चे रहते हैं, उनका उस कैटेगरी के लिए विदर्भ को रिप्रेजेंट करने वाली टीम के लिए सिलेक्शन होता है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली चलते रहती है, साल भर
चलते रहता है, टैलेंट अगर सामने आए, और ये सिर्फ नागपुर शहर की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे विदर्भ में, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट विदर्भ, तो विदर्भ के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। जैसा अमरावती के लिए अमरावती जिला क्रिकेट एसोसिएशन है, अकोला के लिए अकोला जिला क्रिकेट एसोसिएशन, ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस के, ऑल ऑफ देम आर डायरेक्टली अटैच टू विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। तो उस जिले के टैलेंट को निखारने का जैसा काम नागपुर में चलता है, नागपुर शहर में, सेम काम उन डिस्ट्रिक्ट में भी चलता है। और इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स, शहर के प्लेयर्स, ऐसे सब मिला के वो पूल बनता है, और उसमें से भी बेस्ट प्लेयर्स बाहर आते हैं। और हमारा ये जो प्रोग्राम है, इस वजह से आप इमेजिन नहीं करेंगे, विदर्भ के छोटे से छोटे रिमोट सेंटर से बच्चे सामने आ रहे हैं। हमारे एक समय ऐसा था कि हमारी जो रणजी की टीम थी, सीनियर टीम, उसमें करीबन 5 से 6 प्लेयर्स नागपुर के बाहर के थे, कोई अकोला, कोई बुलढाणा, कोई अमरावती, ऐसे। तो ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम रेगुलर हमारा चलता है साल भर, उस वजह से एकदम देहात का जो है ना, जहाँ पे कोई, जिस बच्चे के माँ बाप सोच नहीं सकते कि हमारा बच्चा विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के टीम के लिए, ऑफिशियल टीम के लिए सिलेक्ट हो पाएगा कभी ज़िंदगी में, ऐसे बच्चे सामने आ रहे हैं। और आ लोग जानते हैं कि क्रिकेट में पैसा तो बहुत आ गया है, IPL और ये सब चीज़ों से। इस साल हमारे विदर्भ के 5 बच्चे IPL के लिए सिलेक्ट हुए, और हमारा एम ऐसा है कि आने वाले समय में ये संख्या डबल होगी। अच्छा। और उस लाइन में हम काम कर रहे हैं। IPL के लिए सिलेक्शन करना ये हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा। उसका रीज़न है कि IPL की जो टीम मालक होते हैं, वे लोग प्लेयर्स को परचेस करते हैं, जो ऑक्शन होता है IPL का, उसमें वो लोग परचेस करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे इतना अपना टैलेंट दिखाए डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स में कि IPL के टीम मालक जितने भी है, उनका ध्यान उनके ओर जाना चाहिए, उन बच्चों के तरफ, और आने वाले वर्षों में वो उनको खरीदना चाहिए। अच्छा। ये एक हमारा आगे का एम है। लेवन जी, कहीं ना कहीं प्रहलाद जी भी आपसे जुड़ गए हैं, मैं उस बारे में, मतलब किस तरीके से उनकी ओर से मदद मुहैया कराई जाएंगी, उस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, मतलब दोनों से जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये साठ गांठ होने वाली है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, प्रहलाद जी करीबन 7-8 साल पहले नागपुर आए। ओके। इनका लॉजिस्टिक का और महिंद्रा ट्रांसपोर्ट का काफ़ी पुराना काम था। मेरी इनसे, ये जब से नागपुर आए तब से मेरा इनका परिचय हुआ है, इनसे संबंध आया है, और कहीं ना कहीं मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा, इनको शायद मुझ में कोई चीज जची होगी, तो हम लोग एक जगह है। और अभी मुझे इनका सबसे अच्छा लगता है कि ये इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी के वे मालक है, लेकिन साथ में जिनके वजह से अपनी ये कंपनी चल रही है। अच्छा। जो हमारे बेस है ड्राइवर्स, उनके बेनिफिट के लिए, उनके भविष्य को सुधारने के लिए जो उनकी इच्छा है, वो सही में काबिले तारीफ है, और वे चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण एरिया से किसानों के जो बच्चे आज कहीं ना कहीं रोजगार उनको नहीं मिलता, अनस्किल रहते हैं, तो गांव में घूमते हैं, खेतों में काम नहीं है, तो उन बच्चों को प्रोफेशनल ड्राइवर का ट्रेनिंग दे के, और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देना, अपने ओर से ट्रेनिंग देना, और बाद में उनको जॉब लगवा देना। आज के डेट में जॉब मिलना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो उनको जॉब मिलवा देना, ये उनका एक अपना मकसद है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एक बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे नागलवाड़ी एरिया जहाँ पे इनका सारा ढांचा है, वहाँ पे खोलना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में बीच में हम लोग लास्ट वीक शरद पवार साहब से भी मुंबई में मिल के आए। उन्होंने भी हमको इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, और जो ये काम पूरा एक सोशल कॉज आंखों के सामने रख के कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत, यानी मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा। प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं आप अब तक ड्राइवर्स की जो समस्या थी उन पर कार्य कर रहे थे, अभी क्रिकेटर्स हैं उनकी समस्याओं से जुड़ने जा रहे हैं, क्या बताओगे आप हमें? मैं क्रिकेटर से जुड़ने नहीं जा रहा, मैं तो इनका वेलविशर हूँ, ये जुड़े हुए हैं, ये अगर कहीं पूछते हैं कि भाई कहीं मेरी हेल्प चाहिए, कि किसी बच्चे को मान लो कोई बोले कि भाई इसको थोड़ी हेल्प कर दो फ्रेंड्स की, तो उसका मैं ध्यान रख सकता हूँ, बाकी क्रिकेट मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं तो 18-19 साल का था तब से इसी लाइन, लॉजिस्टिक लाइन में आ गया। अच्छा। मेरा विषय तो सिर्फ मेरे सारथी भाई कैसे आगे हैं,
और उनके लिए कैसे अच्छा हो, वो किसके थ्रू हो, मीडिया के थ्रू हो या मेरे दोस्तों के लिए या मेरे वेलविशरों के थ्रू, वही मेरा एम है। ओके हेमंत जी, एक और सवाल जो था वो आपसे था कि कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए जो फंडिंग वगैरह ज़रूरत होती है और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के आप अभी सचिव हैं, तो ये फंड किस तरीके से कार्यरत रहता है और ये जो प्रोसेस होती है संपूर्ण, उसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, फंड्स का ऐसा है कि फंड हम लोगों को BCCI से आता है। वी आर, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विदर्भ के सारे डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट एसोसिएशन हम लोगों से जुड़े हुए, ऑल ऑफ देम आर एफिलिएटेड टू विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, एट द सेम टाइम विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि पूरे देश की अपेक्स बॉडी है क्रिकेट का संचालन करने वाली। तो हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो सारे क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए हम लोगों को फंडिंग वहाँ से आता है, BCCI से। और सिर्फ हमको ही नहीं आता, देश में जितने क्रिकेट एसोसिएशन है जितने स्टेट्स के, सभी को BCCI से, दैट इज कॉल्ड शेयर ऑफ स्टेट एसोसिएशन which we get from BCCI. Okay. हेमंत जी, एक और सवाल जो था आपसे ये था कि कहीं ना कहीं विदर्भ में जितने भी युवा है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड रहते हैं क्रिकेट को लेके, मतलब उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा रहता है पर निखरता नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें उतनी चुनौतियाँ नहीं मिलती। अक्सर युवाओं का कहना होता है कि टैलेंट तो बहुत है पर हमें वो जो मौका है वही नहीं मिल रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, एज पर एज विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन इज कंसर्न, हमारे यहाँ अगर टैलेंट है और साथ में परफॉर्मेंस है, दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए। बच्चे में टैलेंट भी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और एट द सेम टाइम जिस समय कोई वो है ना हमारी मैच खेल रहा है, कोई टूर्नामेंट खेल रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस भी चाहिए और परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी चाहिए। अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और प्लस टैलेंट है तो वो बच्चे का सिलेक्शन होना ही होना है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि विदर्भ के ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज से बच्चे आ रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, कि जिन्होंने खुद ने भी या उनके पेरेंट्स ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे बच्चे विदर्भ से खेल पाएंगे। अच्छा, तो टैलेंट है, टैलेंट हंट प्रोग्राम हमारा जो है ना वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि टैलेंट प्लस परफॉर्मेंस दोनों जो बच्चे ने दिखाया, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का रहे या बच्ची ने दिखाया, तो उसका सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन मैं पहले बोला कि टैलेंट चाहिए, एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस भी चाहिए। ओके, एक आखिरी सवाल हेमंत जी आपसे कि जितने भी युवा क्रिकेटर्स हैं विदर्भ के, उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे BCN के माध्यम से? नहीं, मेरा मैसेज यही है कि देखिए कैसा रहता है कि उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब बच्चे और उनके घर वाले फैमिली मेम्बर्स दोनों के सामने एक सवाल आता है कि मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ूँ, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एक्सक्लूसिवली, कोई भी स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ूं कि मैं मेरे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दूं, ये एक ऐसा पीरियड आता है। उस वक्त उन्होंने बहुत माइन्यूटली और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर आप पूरा समय खेल के लिए डिवोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडीज सफर होगी। पूरा समय अगर स्टडीज के लिए दोगे तो आप फिर इधर प्रैक्टिस के लिए समय नहीं दे पाओगे। तो वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि भाई आज आज एक बात पक्की हो गई है कि क्रिकेट में बच्चे अपना भविष्य देख रहे हैं, क्रिकेट से करियर बन रहे हैं लोगों के, और एट द सेम टाइम जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, जो अपर लेवल पे खेलते हैं, उनको पैसा भी अच्छा मिलने लग गया है, तो जो फैमिली का देखभाल करने का एक बात आती है एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन वो डिसाइड उनको ही करना है कि दोनों में से हमको क्या चूज करना है। अगर आप उस वक्त फर्म रह के, अब आप मुझे बताइए कि सचिन तेंदुलकर को कोई पूछता क्या कि आप कितने पढ़े हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आज तक किसी ने यह सवाल पूछा होगा, तो उसका, या इवन विराट कोहली को किसी ने नहीं पूछा होगा कि तुम कितने पढ़े हो, तो ये बात है। लेकिन उस वक्त जब विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर छोटे होंगे और जब उनमें टैलेंट दिखा होगा घर वालों को भी, उनके कोचेस को भी, उनके क्लब्स वालों को भी, उस वक्त उन्होंने उनको पूरा फ्रीडम दिया कि नहीं आप जाके क्रिकेट ही खेलो। अच्छा, इस वजह से आगे फिर वो निखरते गए और इतने बड़े खिलाड़ी बने।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हेमंत जी ने हमें बताया कि एक क्रिकेटर, मतलब एक युवा, अगर उसे क्रिकेट पसंद है तो उसका उसमें टैलेंट भी होना चाहिए और उसका परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी उसे जो है मौके मिलते हैं। और कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं एक ज़रूरी और अहम घटक हम मान सकते हैं। तो ये थी हमारी आज खास मुलाकात हेमंत गांधी जी से और प्रहलाद अग्रवाल जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, आप खास मुलाकात में आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ की। दर्शकों, फिलहाल हमारे इस खास मुलाकात में इतना ही, और मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN News। नमस्कार। थैंक यू।